बक्सवाहा के जंगल इन दिनों चर्चाओं में हैं। हीरो की खदान के लिए 2 लाख से ज्यादा पेड़ काटने का विरोध हो ही रहा था। इस बीच बक्सवाहा के जंगलों में पाषाण काल के शैलचित्र पाए गए हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ये रॉक पेंटिंग 25,000 साल पुरानी है, लेकिन संरक्षण के अभाव में इस विरासत पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। ईटीवी भारत की टीम ने घने जंगल में जाकर इस स्थान का मुआयना किया, जहां पर 25,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग पाई गई। बक्सवाहा के जंगलों में लगातार शैल चित्रों की खोज को लेकर एक बार फिर हम बक्सवाहा के जंगल के अंदर दूसरी चट्टान पर मौजूद हैं, और जिस चट्टान के नीचे अभी हम बैठे हुए हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको दिखाए। ये देखिए आप किस तरह की जो रॉक पेंटिंग है यहाँ पर बनाई गई है। तो इन्हीं शैल चित्रों को लेकर लगातार बक्सवाहा अब चर्चाओं में है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये शैल चित्र जो है वो लगभग 25,000 वर्ष पुराने हैं। हालांकि जिन चट्टानों पर ये शैल चित्र उकेरे गए हैं, ये बेहद घने जंगलों के अंदर मौजूद हैं। कुछ देर पहले ही यहाँ पर अभी हमें एक भालू दिखा था, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह का घना जंगल है। सावधानी पूर्वक और आप देखिए कि किस तरह का घना जंगल है, और हम लोग इस समय जंगल के अंदर मौजूद हैं। लगातार जंगली जानवरों की मूवमेंट जो है वो यहाँ पर होती रहती है, और यही वजह है कि लोग इन जंगलों के अंदर यहाँ पर ज़्यादा नहीं आते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार ये बताया जा रहा है कि जो चट्टाने हैं और उन पर जो आकृतियाँ उकेरी गई हैं, ये 25,000 वर्ष पुराने शैल चित्र हैं। तो ईटीवी भारत आपको लगातार ये चीज़ें दिखा रहा है, मैं कैमरा मैन चलूँगा आपको दिखाएं कि ये जो पेंटिंग है, शैल चित्र हैं, आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से ये बने हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं एक हवन कुंड बना हुआ है, वेदी बनी हुई है, कुछ लोग आसपास बैठकर हवन कर रहे हैं, कुछ और भी आकृतियां हैं, घोड़े हाथी, लगातार इस तरह की आकृतियां जो हैं इन चट्टानों पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब ये आकृतियां जो हैं वो धीरे धीरे खंडित हो रही हैं, और इन्हीं आकृतियों को संरक्षण के लिए लगातार स्थानीय लोग कई समाज से भी मुहिम चला रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संरक्षण को लेकर न सिर्फ सरकार को आगे आना चाहिए, बल्कि कई प्रतिनिधि भी इस मुहिम में जुड़ने चाहिए, और अगर इसी तरह से ये शैल चित्र खंडित होते रहे तो आने वाले समय में इन शैल चित्रों को न सिर्फ नष्ट हो जाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियां हमारे इतिहास को नहीं समझ सकेंगे। छतरपुर से ईटीवी भारत के लिए जयप्रकाश।